ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नित्य पूजा में एक शंका ज़्यादातर लोगों को बनी रहती है, हो सकता है आपको भी ये समस्या रहती हो या इस तरह की शंका रहती हो आपके दिमाग में कि हम जब भी पूजा करते हैं, भगवान को दीप अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो भोग हम धूप जलाने के पहले अर्पित करें या पहले धूप जला दें उसके बाद में भोग अर्पित करें। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं या देवताओं का आवाहन करते हैं या देवी देवताओं का आवाहन हम जब करते हैं, तो दैवी शक्तियाँ जो हैं वो आपकी पूजा में कैसे आकर्षित होती हैं? वो आकर्षित होती हैं सुगंध से। हम धूप क्यों जलाते हैं? हम धूप इसलिए जलाते हैं कि जो आसपास का वातावरण होता है वो सुगंधित हो जाए। जिस तरह से हम फूल अर्पित करते हैं तो पुष्प में भी महक होती है, सुगंध होती है, जिसकी वजह से जो मंदिर वाला जो एरिया होता है, जगह होती है, वो सुगंधित हो जाती है। और जब आप धूप जला देते हैं तो वो जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, आसपास का जो वातावरण होता है, वो सुगंधित हो जाता है। तो कोई भी दैवी शक्ति सुगंध की तरफ अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। आपने सुना भी होगा कि छोटे में आप लोगों ने सुना होगा कि सेंट रात में लगा के बाहर ना निकलें, इस तरह से आपने सुना होगा। उसका कारण यही होता है, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो सुगंध की तरफ आकर्षित होती है, वो चाहे अच्छी शक्तियाँ हों या फिर बुरी शक्तियाँ हों। अब मंदिर में जब आप देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो वो सूक्ष्म शक्ति के रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं, पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, सूक्ष्म शक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जब आप वहाँ का वातावरण सुगंधित कर देंगे, अच्छा कर देंगे, महकदार कर देंगे, तो वो शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि अगर आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं तो भगवान के आने के बाद में हमें भोग अर्पित करना है, उनके आने से पहले हम भोग अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी भगवान को अगर भोग अर्पित करते हैं तो पहले दीप जला लीजिए, धूप जला लीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए, उसके बाद में ही भोग को अर्पित करिए। अब भोग हम अर्पित करते हैं तो भोग हम रखें कहाँ? तो जहाँ पे घी वाला दीपक रखा जाता है, यानी मंदिर के दाहिनी तरफ हमको भोग अर्पित करना चाहिए। और धूप हमने बताया भी था आपको कि आपके मंदिर के बाएं साइड में धूप रहेगा, यानी आपके दाहिने और मंदिर के बाएं साइड में धूप रखी जाती है। उसके बाद ही आपको जल अर्पित करना है। अगर आप मिठाई अर्पित कर रहे हैं तो भगवान को जल भी अर्पित करिए। जिस प्रकार से आप मेहमानों को, गेस्ट को मिठाई खिलाने के बाद में पानी के लिए पूछते हैं या पानी देते हैं, उसी तरह से देवी देवताओं या शक्तियों को भी जल अर्पित किया जाता है। अगर हम उन्हें मिठाई चढ़ा रहे हैं या नैवेद्य में कुछ और चढ़ा रहे हैं, जैसे आप भोजन अर्पित कर रहे हैं, तो भी आपको जल अर्पित करना ही करना है। हाँ, अगर आप फल अर्पित करते हैं तो फल के बाद में पानी का विधान नहीं होता है, तो आप पानी नहीं भी अर्पित करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब भी पूजा पाठ करें तो हमें अपनी पूजा पाठ में पहले सुगंधित चीज़ें का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप इत्र डालते हैं वहाँ पे तो इत्र डाल लीजिए, अगर पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प अर्पित कर लीजिए, इसी प्रकार से धूप जला लीजिए, उसके बाद में ही भोग अर्पित करिए। कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि जैसे हम रोज़ भगवान को अगर टीका करेंगे तो उनकी मूरत जो है ख़राब हो जाएगी, या मतलब जो उसकी फ़ोटो है, फ़ोटो से उनका चेहरा ख़राब हो जाएगा। तो आप सूखे हुए टीके का इस्तेमाल करिए, सूखा टीका, गीले हुए टीके का इस्तेमाल मत करिए, गीला टीका मत लगाइए। जैसे सिंदूर अगर आप लगा रहे हैं तो सूखा हुआ सिंदूर लगाइए, इसी प्रकार से आप चंदन लगा रहे हैं तो चंदन सूखा भी आता है और गीला भी आता है, तो आप सूखे हुए चंदन का इस्तेमाल करिए। जैसे आपके मंदिर में कोई प्रतिमा है उस पर कांच का कवर लगा हुआ है, कांच ऊपर से लगा हुआ है, तो आप गीला लगाइए, सूखा लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन खुली हुई फ़ोटो है तो उसमें आप सूखे कुमकुम या चंदन का प्रयोग करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी, अगर आपकी कोई मूरत है तो ख़राब नहीं होगी। और दूसरा क्या है, जैसे सुबह आप जब साफ़ करेंगे तो वो पूर्ण रूप से साफ़ हो जाएगा, अच्छे से सूखा हुआ। गीला अगर साफ़ करेंगे तो साफ़ करने में काफ़ी समय लगेगा, समय की बात तो अलग हो गई, लेकिन सूखे गीले से का फ़र्क ये होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चंदन कौन से भगवान को अर्पित करते हैं और कुमकुम कौन से भगवान देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। तो भोलेनाथ को चंदन लगता है, इसी तरह से भगवान विष्णु को चंदन अर्पित करते हैं, इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान को चंदन अर्पित करते हैं। तो
आप इस तरह से चंदन अर्पित करिए। शिवलिंग है तो आपको चंदन लगाना है। अगर आप मंदिर में शंख रखे हैं तो उसमें चंदन लगाना है। अगर आप वहाँ पे शालिग्राम रखे हैं मंदिर में तो आपको चंदन लगाना है। इसी प्रकार से अगर आप कुमकुम लगाते हैं तो जैसे माता रानी, कोई भी माँ की फ़ोटो, उसमें आप कुछ कुमकुम लगाना है। हनुमान जी है उनको सिंदूर कुमकुम लगाइए। उसके बाद में आप जो भी देवी देवता होते हैं उनको आप कुमकुम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कुमकुम और चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। सूखे हुए कुमकुम का, सूखे हुए ही चंदन का प्रयोग करिए, गीला करके मत लगाइए। गीला किसी विशेष पर्व में लगाइए, किसी विशेष पर्व का अर्थ हो गया जैसे दिवाली हो गई या कोई बड़ी पूजा होती है तो उस पूजा में करिए। नित्य पूजा में आपको सुबह मंदिर साफ़ करना होता है, मंदिर को पूर्ण रूप से ज़रूर साफ़ करिए। और जब आप दीपक भी जलाते हैं तो दीपक को भी अगले दिन जला दिया, ऐसा नहीं वही जला हुआ काला पीला दीपक आप उसको भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दीपक को बिल्कुल चमका के रखिए, जितना दीपक चमकेगा उतने ही आपका भाग्य चमकेगा, ऐसे सोच के दीपक को जलाइए। आशा है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा, और आप जो पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।